मैं अपनी प्रतिज्ञा निभाऊंगा, मैं तुम्हें नया दिल दूंगा, मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे दिल में रखूंगा, मैं अपनी व्यवस्था को तुम्हारे दिल में लिखूंगा। अभी जो तुम्हारा दिल नहीं कर सकता है, अब के बाद वो निश्चय इसे करेगा, क्योंकि आप नया जन्म पाए हैं, आप नई सृष्टि हैं। मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे पास नया दिल है, तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, उन्हें फिर स्मरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तो बेहतर वाचा है, बेहतर प्रतिज्ञाओं के साथ में। Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Let's worship the Lord again. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship Him, worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord in the heavens, worship the Lord in the earth, worship the Lord in this temple, Jesus, oh Jesus, be thou glorified. Oh, glorify Jesus, 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 be thou, oh Jesus, we worship you. Exalt Jesus in our midst. Oh, Jesus, Jesus, be thou glorified. Be thou glorified, Jesus, Jesus, be thou glorified. ये इस बारे में नहीं है कि मैं जो प्रतिज्ञाएं करता हूं। देखिए, मैंने उस समय कौन सी प्रतिज्ञाएं की थी? मैंने बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं ऐसी कह दी, प्रभु की सेवा के लिए जिज्ञासा से भरा था, इसलिए प्रतिज्ञा की, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया। क्या आप कभी पूरा कर पाए हैं? हम प्रतिज्ञा बड़ी बड़ी कर देते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। और जब भी मैं असफल रहा, बड़ी दोष भावना आती थी, मैं अयोग्य महसूस करता था। मैं सोचता मसीह जीवन जीने की ताकत मुझमें नहीं है। मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूं। तो मैंने अपने ऊपर दोष भावना का मानो ढेर रख दिया, प्रतिज्ञा करके उसे पूरा न करने के कारण। और मैं हर साल इसे करते रहा, नई प्रतिज्ञाएं करता, नए रूप में असफल होता और फिर और प्रतिज्ञाएं करता, और कभी भी प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं कर पाता था। दोष भावना पर दोष भावना और निराशा के ऊपर मैं निराशा को रखते जाता। और उसके बाद में मैंने जाना कि ये मेरी प्रतिज्ञाएं नहीं, लेकिन ये तो उसकी प्रतिज्ञाएं हैं जो उसने अपने नाम से शपथ लेकर दी हैं। काश मुझे पहले कोई बता देता कि ये मेरी प्रतिज्ञा नहीं, लेकिन ये उसकी प्रतिज्ञाएं हैं जो उसने शपथ ली है और उसने मुझे ये दी हैं, और मैं इसे पूरा करूंगा। इसलिए नहीं कि मैंने उससे प्रतिज्ञाएं की हैं, लेकिन मैं इसे पूरा करूंगा क्योंकि उसने प्रतिज्ञाएं की हैं। उसने प्रतिज्ञा की है कि वो मुझे शुद्ध करेगा। तो मैं क्या करूं? मैं ये प्रतिज्ञा नहीं कर सकता कि प्रभु मैं खुद को शुद्ध रखूंगा अब से आगे। नहीं, मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। मैं जाकर परमेश्वर से कहता हूं, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू मुझे शुद्ध रखता है, तू मुझे शुद्ध करता है और मुझे शुद्ध रखता है। जानते हैं, मेरे पाप क्षमा किए गए हैं, यह नई वाचा की प्रतिज्ञा है। तो मैं प्रभु के पास जाता हूं, कहता हूं, प्रभु धन्यवाद कि मेरे पाप क्षमा किए गए हैं और तू इससे फिर कभी स्मरण नहीं करेगा।
और मैं भी इसे स्मरण नहीं करूंगा, इसे दूर करता हूं। इस तरह से मैं तेरे साथ में चलूंगा और मैं अपने पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। मैं उसके पास जाकर कहता हूं, प्रभु तुझे जानने की योग्यता देने के लिए धन्यवाद। मैं तेरी आवाज सुन सकता हूं, तेरे मार्गों में चल सकता हूं, तेरी इच्छा कर सकता हूं, क्योंकि मैं तुझे जान सकता हूं। नए दिल के लिए धन्यवाद प्रभु। ऐसा दिल जहां पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, जहां पर परमेश्वर की आज्ञाएं लिखी हैं, अब मेरे दिल से यहां पर मेरे अंदर में योग्यता है कि जो प्रभु चाहे वो करूं। तूने मुझे सामर्थ दी है कि मैं वो करूं जो तू चाहता है कि मैं करूं। मैं धन्यवाद देता हूं इस सामर्थ के लिए जो नई सृष्टि के नाते मुझ में है, कि वही करूं जो तू चाहता है कि मैं करूं। देखिए, प्रतिज्ञा करने के बजाय आप इस तरह से प्रार्थना करें कि मुझ पर कोई दंडाज्ञा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, अगर असफल हो जाए तो क्या होगा? देखिए, चलिए मैं आपको कुछ वचन दिखाता हूं, क्योंकि एक बात है जो आपको समझनी होगी। परमेश्वर विश्वास योग्य है। सब लोग कहिए, प्रभु विश्वास योग्य है। जो उसने प्रतिज्ञा की है उसे करेगा, वो जानता है। आप कब असफल होंगे, क्या करेंगे, हाँ, यानी अगर ये हो जाए तो क्या होगा भाई, उसने इसे पहले देखा है। उसने शुरू से ही अंत को देख लिया है और इसके बीच की सारी बातों के ऊपर उसने पूरी तरह से गौर किया है और फिर भी प्रतिज्ञा की है कि वो निश्चित काम करेगा। वो जानता है, ये उसके लिए नई खबर नहीं है। आज आप जो कर रहे हैं ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ, दूसरा तिमोथी अध्याय 2:13, ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में आपको समझना होगा। बाइबल परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में कहती है, तो निश्चय आप इसे समझ सकते हैं केवल नई वाचा के दृष्टिकोण से ही। ये वाचा की विचारधारा है, प्रभु विश्वास योग्य है। इसे सुनिए 13, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। देखिए, जब हम असफल होते हैं, एक अनुवाद सही तरीके से कहता है कि हम विश्वास योग्य नहीं रहे तो भी वो विश्वास योग्य है। चाहे हम विश्वास योग्य न रहे तो भी वो विश्वास योग्य है, इस तरह कहता है, क्योंकि वो खुद का इनकार नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर उसने कहा है कि वो ये सब कुछ करेगा, इसलिए वो इसे करेगा, बस यही। वो खुद का इनकार नहीं कर सकता, प्रतिज्ञा से नहीं हट सकता। उसने कहा वो हमारी देखभाल करेगा, इसे करने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो हमें देगा। उसने कहा वो हमें नया दिल देगा। उसने कहा वो हमें नई आत्मा रखेगा, वो हमें योग्य बनाएगा। और वो खुद का इनकार नहीं कर सकता, वो अभी इससे पीछे नहीं हट सकता। चाहे हम विश्वास योग्य न रहे तो भी वो विश्वास योग्य है। एक अमेरिकन पास्टर अपने चर्च के सदस्य से मिलने के लिए गए थे। एक बूढ़ी महिला जो मरने पर थी, और उनके मरने के पहले वो उद्धार की शाश्वती रखना चाहती थी कि अगर आज मर जाए तो वो सीधा स्वर्ग में जाएगी। तो वो गए कि ये जो बहन है ये अच्छी तरह से जान ले और अपने उद्धार के लिए निश्चित हो जाए। तो वो वहां पर गए, उन्होंने कहा, बहन क्या आप जानती हैं अगर आज आप मर जाती हैं क्या आप स्वर्ग में जाएंगी, क्या आप निश्चित हैं? तो बहन ने कहा, मैं इसके बारे में निश्चित हूं, क्योंकि मैं एक बात समझती हूं, ये ऐसा नहीं कि मैंने उसे थामे रखा है, लेकिन उसने मुझे थामे रखा है। वो बहन इस सच्चाई को समझ गई थी। उसने कहा, यह बात नहीं कि मैंने उसे कसकर पकड़ के रखा है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अगर ये इस पर आधारित होता तो मैं बहुत पहले ही खो गई होती, क्योंकि मैंने उसके हाथ को कई बार छोड़ दिया है, लेकिन उसने जब से मुझे पकड़ा आज तक उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। वो मुझे इस पार से उस पार ले जाएगा और पूरे अनंत काल में मुझे ले जाएगा। उसका हाथ मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं जानती हूं कि मैं कहां पर जाऊंगी। यानी बात तो ये नहीं कि हम उसे थामे हैं। देखिए, हमारा जो थामना है, जानते हैं ये असफल हो सकता है, लेकिन उसकी पकड़ कभी नहीं जाएगी। यीशु ने कहा, कोई तुम्हें मेरे हाथों से छीन नहीं सकता है, कोई भी उन्हें नहीं ले सकता जो कि मेरे हैं, यीशु ने कहा। और मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, क्या आप यीशु के हाथों में हैं? क्या उसने आपके हाथों को थामा है, आपको पकड़ रखा है? मैं आपसे कहता हूं, यही तो उद्धार की शाश्वती है। यदि उसने आपको पकड़ा है, आपको थामे रखा है, तो मैं आपको बताऊं, अनंत काल के लिए ये पकड़ कभी नहीं जाएगी। वो आपको पकड़े रहेगा, कोई परेशानी नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कोई विनाश,
आपको उससे छीन नहीं सकता है। वो आपको सुरक्षित रखेगा अपने हाथों में। परमेश्वर विश्वास योग्य है। सब लोग कहे प्रभु विश्वास योग्य है। जब हम विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है। जरा सोचिए, अगर यह हम पर आधारित होता तो हम में से कभी कोई कुछ नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी यही प्रचार किया जाता है। वो कहते हैं, ओ पवित्रता को थामे रहे, ये थामे रहे, वो थामे रहे। जानते हैं, इसके लिए और उसके लिए तुम सावधान रहना। हम सारी बातों के लिए सावधान थे और बड़ी सावधानी से गलती कर रहे थे। वो घर भेजते समय कहते थे, सावधानी से घर जाना, यहां नहीं देखना, वहां नहीं देखना। हम जाते हुए यहां वहां देखते ही जाते थे। मनुष्य का स्वभाव है, आप देखिए। हम बस वही करते थे। देखिए, बात तो ये है, जब तक ये दिल में नहीं है, ये बाहर नहीं आएगा। जब तक ये दिल में ना हो, देखिए, मसीहा दिल से शुरू होती है। ऐसा दिल जो परमेश्वर के वचन से भरा है, ऐसा दिल जो परमेश्वर ने नया दिल दिया है, मसीह जीवन काम नहीं करेगा। आप कोशिश कर ले, बड़ी मेहनत कर ले। मेरे उद्धार के बाद में एक भाई ने मुझसे कहा, जब मैंने बताया कि ये सब मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, तो कहा तुम्हारा सही उद्धार नहीं हुआ। मैंने कहा, भाई मैंने एक दर्जन बार उद्धार पा लिया है। उनमें से एक ने काम करना चाहिए था। कम से कम उनमें से एक कोशिश तो बिल्कुल सही कोशिश हुई होगी। उन्होंने कहा कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या काम नहीं कर रहा है। तो मैं हमेशा सोचता था कुछ काम नहीं कर रहा, बाद में पता चला कि सच में क्या काम नहीं कर रहा है। क्योंकि घोड़े के आगे गाड़ी रखी हुई है। मैंने वो गाड़ी घोड़े के पीछे लगा दी, बस थोड़ा सा इशारा करते ही घोड़ा चलने लग गया है। हाँ ठीक है। मलाकी अध्याय 3:6, ये बहुत ही विख्यात वचन है, इसे मत निकालिए। मैं आपको ये बताऊं, वो कहता है मैं परमेश्वर हूं, मैं बदलता नहीं। प्रभु कहता है मैं नहीं बदलता, मुझ पर भरोसा रखो। कल आज और युगान युग में एक सा हूं। याकूब अध्याय 1, आइए इसे देखते हैं। याकूब अध्याय 1:17, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। मैं सोचता हूं याकूब के मन में ये विचार था कि कैसे ये ग्रह घूमते हैं और ये सारी बातें, और कैसे अगर यहाँ पर दोपहर है, कहिए अगर दोपहर के 1 बजे हैं तो अमेरिका में रात के 2:30 बजे हैं। हाँ, यानी आधी रात है, वहाँ पर अंधकार है, यहाँ पर ज्योति है, वहाँ पर अंधकार है। यानी हमेशा एक तरफ ज्योति होती है तो फिर दूसरी ओर अंधकार होता है, जानते हैं। और बहुत से लोग भी ऐसे हैं कि आपने लोगों को कहते सुना है कि इसका अंधकार का एक भाग है और आपने उसे अब तक नहीं देखा है। लोगों के बारे में कहते हैं, हाँ रविवार की सुबह आप तेजों में भाग देखते हैं और अंधकार का भाग तो कुछ और है, केवल कुछ लोग ही जानते हैं। तो अंधकार का भाग यानी लोगों के 2 भाग होते हैं, उजियाला वाला और अंधकार वाला, 2 भाग। लेकिन परमेश्वर का केवल एक ही भाग है जो ज्योतिमय है और तेजोमय है। हर समय चाहे यहां हो या वहां हो, हर तरफ से वो केवल ज्योति ही है। वो तो ज्योतियों का पिता है। वो यहां पर अंधकार और वहां पर ज्योति है, ऐसा नहीं कि वहां पर अंधकार यहां पर ज्योति नहीं। वो बदलता नहीं, उसमें फिरने की कोई छाया नहीं है और घूमने के कारण उसकी कोई छाया नहीं आती है। वो जो भी घूमता है उसमें, जानते हैं सब कुछ घूमता है, लेकिन उसमें वो तो एक सा ही है, क्योंकि वो हमेशा एक सा है, कल आज और युगानुयुग एक सा है। जानते हैं जब सुबह आप यहां पर आए तो सूरज इस तरफ होता है, शाम को अगर आप आए तो सूरज उस तरफ होता है, और ये सब बदलता है क्योंकि सब कुछ यहाँ पर एक चक्र में है। लेकिन परमेश्वर एक सा ही रहता है, वो एक सा ही है, कल आज और युगान युग, और उसमें फिरने की कोई परछाई नहीं है। और देखिए, मैसेज ट्रांसलेशन बहुत ही सुंदर अनुवाद करता है। कभी मैसेज ट्रांसलेशन सुना है? ये कहता है ये वरदान, ये जीवन की नदियाँ हैं जो आती हैं, ज्योतियों के पिता से नीचे आती हैं। परमेश्वर में धोखे की कोई बात नहीं है, दो चेहरे वाली बात नहीं है और भरमाने वाली बात नहीं। मुझे यह अनुवाद पसंद है, यानी परमेश्वर का अंधकार का पहलू नहीं, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं है। जानते हैं वो कभी बदलता नहीं है। और देखिए, परमेश्वर ऐसा ही है। बाइबल परमेश्वर की विश्वास योग्यता को चट्टान के जैसे बताती है। वो चट्टान जैसे है क्योंकि उसे चट्टान जैसे बताया गया है। चट्टान को आसानी से हटा नहीं सकते हैं, जानते हैं, इसलिए परमेश्वर चट्टान जैसे है। और इसलिए यशया ये कहता है,
जब वचन के बारे में कहता है तो वो कहता है, मेरा वचन व्यर्थ लौटकर मेरे पास में नहीं आता है, जिस काम के लिए उसे भेजा है उसे वो जरूर पूरा करके लौटेगा। परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं लौटता है, क्योंकि वो तो ये तो परमेश्वर की बात है कि जिसके लिए भी वचन भेजा गया उसे वो पूरा कर दे। सुलेमान ने एक बार कहा, पहला राजा अध्याय 8:56 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जो भी मूसा के द्वारा कहा उसमें से एक भी बात नहीं टली, परमेश्वर ने सब कुछ किया। हेलो, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो कुछ भी कहा है उसे पूरा किया है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, सब लोग कहे प्रभु विश्वास योग्य है, और हमारा विश्वास परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आधारित है। प्रभु वचन पर हम क्यों विश्वास करते जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर भला, इसलिए वचन पर विश्वास करते हैं। अगर कोई आपसे कुछ कहता है और जिसने ये कहा है वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो उसने जो कहा है वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर वो अच्छा नहीं तो उसके शब्दों पर भरोसा नहीं कर सकते। शब्दों को कहने वाला जितना अच्छा है केवल उसके शब्द उतने ही अच्छे होते हैं, ठीक है, जिसने शब्द कहे हैं। यानी हम जब कहते हैं विश्वास, मसीह बाइबल का विश्वास तो बस यही है, ये कुछ शब्दों में विश्वास नहीं, सबसे पहले तो ये एक व्यक्ति में विश्वास है, और ये तो उस व्यक्ति के वचनों पर विश्वास है, क्योंकि वो व्यक्ति जिसने कहा है वो अच्छा व्यक्ति है। यानी जब हम में विश्वास आता है तो ये कैसे आता है? देखिए, विश्वास आता है क्योंकि हम प्रकाशन पाते हैं कि वो कौन है। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर भला है। ओरल रॉबर्ट्स ने कहा कि उन्होंने 400 समाचार को 400 बार घुटनों पर बैठकर पढ़ा है। जब वो कहीं पर एक छोटे पास्टर थे, अनजाने में थे, उन्होंने घुटनों पर 200 बार पढ़ा मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, और फिर वो खड़े हुए और बस एक वाक्य में सारा सारांश कहा जो भी पढ़ा था, कहा परमेश्वर भला है। ये मुझे वहीं से मिला है। मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना क्या कहता है? यही कि परमेश्वर भला है, मैंने यही सीखा। वो बुरा परमेश्वर नहीं, भला है, और मैं भी इसमें यही देखता हूं। फिर उन्होंने चंगाई का प्रचार किया और अद्भुत काम करने लग गए, और इसी तरह से जो प्रकाशन है उन्होंने उन्हें सफल बनाया। ये विश्वास में बदल गया। यानी विश्वास और कुछ भी नहीं है, ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता और भलाई का प्रकाशन है। क्या आप सहमत हैं कि परमेश्वर भला है, वो विश्वास योग्य है, कि प्रभु नहीं बदलता और उसने जो कुछ भी कहा है उसमें से एक बात भी करने से नहीं चूकेगा, वो इसे पूरा करेगा, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकता। अगर एक में चूक जाए तो सारी बातें असफल हो जाएगी। क्या आप इस बात के बारे में सहमत हैं? विश्वास इसी के बारे में है। सबसे पहले विश्वास तो उसमें विश्वास है, और इसलिए हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं, इसलिए उसके वचन का अंगीकार करते हैं, इसलिए ही हम वचन पर खड़े रहते हैं, इसलिए क्योंकि वो भला है, क्योंकि हम उस व्यक्ति को जानते हैं जो उस वचन के पीछे है। यानी मसीह जीवन ऐसा नहीं जैसे कि ये अब्राहम के बारे में कहता है, अब्राहम ने प्रभु पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया था। उसने क्या किया? प्रभु पर विश्वास किया, वचन पर विश्वास किया। हाँ, क्योंकि प्रभु पर विश्वास किया, उसके वचन पर विश्वास किया। सारा के बारे में कहता है कि विश्वास से ही सारा ने गर्भधारण करने के लिए बल पाया जबकि संतान उत्पन्न करने की उम्र चली गई थी। बाइबल यही तो कहती है, उसने बल पाया। इब्रानियों 11:11 के बारे में कह रहा हूं, यह कहता है विश्वास से ही सारा ने गर्भधारणा के लिए बल पाया बच्चे जन्म देने की उम्र पार करने के बाद भी, क्योंकि उसने उसे विश्वास योग्य जाना जिसने प्रतिज्ञा की थी। यही तो वो कारण है। क्यों उसने बल कैसे पाया? वो वहां दांत नहीं चबा रही थी कि मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास पर खड़ी रहूंगी। नहीं, विश्वास ऐसे काम नहीं करता। विश्वास तो दिनों दिन और ज्यादा प्रकाशन प्राप्त करते जाना है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता और उसकी भलाई। एक ऐसा समय आया कि वो पूरी तरह से भर गई परमेश्वर की भलाई और विश्वास योग्यता के प्रकाशन से। वो समझ गई प्रभु ने कहा तो वो करेगा, और यही तो असल में उसके शरीर में उसे बल देता चला गया। ये तो सच में वहां उसके शरीर पर अधिकार करने लगा और उसे एक जवान स्त्री बना दिया कि संतान को जन्म दे सके। हेलो, और मैं आपको बताऊं, जब आप प्राप्त करते हैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में प्रकाशन, तो कुछ भी हो सकता है। जानते हैं, यहां तक कि आपके शरीर का अनुभव भी पूरी तरह से बदलते जाएगा। जानते हैं, और जीवन के हर एक क्षेत्र में आप बदलाव का अनुभव करते जाएंगे। आपके हाथों के कामों में, आपके धन में, पारिवारिक जीवन में, हर तरह से। जब आप समझते हैं परमेश्वर विश्वास योग्य है,
कि परमेश्वर भला है, तो फिर आप बदलाव का अनुभव करेंगे आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में। जैसे सारा ने अपने शरीर में बदलाव पाया और वो बालक को जन्म दे सकी, आप भी अपने जीवन में ये जो बदलाव लाता है वो देखने पाएंगे। आमेन। परमेश्वर विश्वासयोग्य है। पहला यूहन्ना अध्याय 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मैं चाहता हूं कि देखिए ये विश्वास योग्य शब्द कहां पर उपयोग हुआ। ये कहता है वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे। हमारे पापों की क्षमा के बारे में बाइबल कहती है कि वो विश्वास योग्य है। अगर मैं ये वचन लिखता तो शायद इस तरह से इसे लिखता, वो करुणामय है, वो प्रेमी है, वो दयालु है, दयावंत है कि हमारे पापों को क्षमा करे। ये तो अधिक जचने वाला दिखाई देता है, लेकिन किसी तरह से ये सब यहाँ नहीं बताए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सच नहीं है, लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर पवित्र आत्मा परवाह नहीं करता कि उसे यहाँ लिखे। यहाँ इस बात पर जोर दिया गया कि वो विश्वास योग्य है कि क्षमा करे। कितने लोग विश्वास करते प्रभु क्षमा करने में विश्वास योग्य है? हाँ, और हम मसीह जीवन में सफल होते हैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता के कारण। उसकी विश्वास योग्यता क्या है? उसकी प्रतिज्ञाओं के बारे में विश्वास योग्यता, नया हृदय और पवित्र आत्मा हमारे भीतर होगा, पाप क्षमा करेगा, उन्हें स्मरण नहीं करेगा। मैं प्रभु को जानूंगा और मैं अपने दिल से परमेश्वर की व्यवस्था मानूंगा, उसके अनुसार करूंगा, क्योंकि मेरे पास में सामर्थ होगी और शक्ति होगी और इच्छा होगी, मेरे अंदर वो प्रेरणा होगी जो प्रभु ने दी कि प्रभु ने जो कहा उसे करूं। और यही तो उसकी प्रतिज्ञाएं हैं और वही करने में वो मेरी मदद करेगा। हाँ, ये इस बारे में नहीं कि हम क्या करेंगे, ये इस बारे में है कि वो हम में क्या करता है। और इसलिए प्रतिज्ञा करने के बजाय प्रभु की स्तुति करें कि वो आपके भीतर में ये कर रहा है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद, ये हम पर आधारित नहीं है। आज जब आप घर जाएं तो आप आजादी से घर जाएं क्योंकि ये क्रिकेट के जैसे है। आप मैदान में आते हैं, बैटिंग शुरू करते हैं, जीरो पर वापस जा सकते हैं। और मैं आपसे कहूं, हम में से ज्यादातर लोग ऐसे डकआउट केसेस होंगे। जानते हैं, यदि ये केवल हम पर आधारित होता तो हम तो एक रन भी नहीं निकाल पाते, जानते हैं, और हम पेविलियन में बस लौट कर आते कि बाकी पूरी मैच को देखते वहीं बैठे रहें। मैं एक बार छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था और मैं आउट हो गया, और मैं वापस जा रहा था क्योंकि मैं आउट हो गया था, और उस समय बच्चों ने कहा, नहीं, हम 3 बार आउट होने देते हैं मैंने कहा, ये कौन सा नियम है? नहीं, ये हमारा नियम है, 3 बार आउट होना अलाउड है। मैंने कहा, तुम कितने अनुग्रहकारी हो बच्चे, ये खेलने के लिए अच्छा गेम है, 3 आउट हैं। कल्पना करें, सचिन तेंदुलकर 3 आउट के गेम खेलता, हम 3 बार आउट होने देते हैं कहां? और मैं आपको बताऊं, अगर ये मेरे ऊपर आधारित होता तो परमेश्वर 300 या 3000 आउट भी दे तो भी मैं आउट हो जाता था लेकिन परमेश्वर के आउट की कोई सीमा नहीं है। बाइबल कहती है वो दया का धनी है। परमेश्वर ने इसे इस तरह से रखा, उसने कहा, ये तुम पर आधारित नहीं है, ये मुझ पर आधारित है। मैं अपनी प्रतिज्ञा निभाऊंगा, मैं तुम्हें नया दिल दूंगा, मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे दिल में रखूंगा, मैं अपनी व्यवस्था को तुम्हारे दिल में लिखूंगा। अभी जो तुम्हारा दिल नहीं कर सकता है, अब के बाद वो निश्चय इसे करेगा, क्योंकि आप नया जन्म पाए हैं, आप नई सृष्टि है, मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारे पास नया दिल है, तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, उन्हें फिर स्मरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तो बेहतर वाचा है, बेहतर प्रतिज्ञाओं के साथ में। Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, Hallelujah. So clap our hands. Hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, your love makes me say, Hallelujah, 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 your love makes me say, your love is amazing, steady and unchanging, your love is a mountain from beneath my feet, your love is a mystery, how you gently lift me. When I am surrounded
Your love can reach me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is surprising. I can feel it rising. All the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, well, your goodness shines through. I can feel this God song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. See it again, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, city and changing. Your love is a mountain from beneath our feet. Your love is a mystery. How you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.